बच्चों आज हम फिफ्थ में लेटर करेंगे। ये जो लेटर है ये हमने हेल्थ ऑफिसर को लिखनी है जो कि हमारे इलाके में आके वहाँ पे नज़र दे जहाँ की कंडीशन बहुत ही ख़राब है, यानी कि यहाँ पे आगे पीछे हमारे मोहल्ले में बहुत गंदगी पड़ी हुई है, नालियाँ वगैरह गंदगी से भर गई हैं और वहाँ पे उसको आगाह करवाना है कि वो आके वहाँ की कंडीशन को इम्प्रूव करे। राइट ए लेटर टू द हेल्थ ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेन इन सेंट्री कंडीशन ऑफ योर स्ट्रीट, यानी हमें हेल्थ ऑफिसर को लेटर लिखनी है, उसको बताना है कि जो हमारे मोहल्ले की गलियां हैं वहाँ की जो कंडीशन है वो बहुत ही ख़राब है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम उस जगह को लिखते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, जिस इलाके में हम रहते हैं उस इलाके का हमें नाम लिखना है। तो मैंने यहाँ पे श्रीनगर लिखा है, आप अपने मोहल्ले का और अपनी जगह का नाम लिख सकते हो जहाँ पे आप रह रहे हो। उसके बाद डेट लिखनी है जिस डेट को हमने ये लेटर भेजनी है। कहाँ पे भेजनी है, हेल्थ ऑफिसर को। तो मैंने 6 लिखा है, आप जो डेट होगी जिस डेट को आपने भेजनी होगी लेटर तो आपने वो वही लेटर लिखनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है द हेल्थ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन श्रीनगर, यानी कि आप अगर श्रीनगर में रहते हो तो आपने श्रीनगर यहाँ पे लिखना है। अगर आप कुपवाड़ा में रहते हो तो आपने यहाँ कुपवाड़ा लिखना है। आप अगर जम्मू में रहते हो तो आपने यहाँ पे जम्मू लिखना है जहाँ आप रहते हो। फिर हम रिस्पेक्टेड सर लिखेंगे, आई बैक टू कंप्लेन अगेंस्ट द इंसेंट्री कंडीशन ऑफ अवर स्ट्रीट, यानी कि हम एक आपसे शिकायत करते हैं किसके मुतलिक, जो हमारे मोहल्ले की जो गलियां हैं उनके बारे में आपको बताना चाहते हैं। हीप्स ऑफ डर्ट इज लाइंग हियर एंड देयर, यानी कि कूड़ा कचरा हर जगह पे इधर उधर बिखरा पड़ा है। इट इज़ फुल ऑफ पिट्स, और हर जगह जो गंदगी है भर के है। डर्टी वाटर कलेक्ट्स इन देम, और नालियों में भी गंदा पानी जमा हो गया है, हर जगह गंदा पानी जो है वो जमा हो गया है। द फ्यूल स्मेल हैज़ मेड द स्ट्रीट ए टिनी हेल ऑन अर्थ, यानी कि इस गंदगी की वजह से चारों तरफ गंदी स्मेल फैल गई है और पूरी गली जो है जहन्नम की तरह बन गई है। ड्रेन्स और नेवर क्लीन्ड, जो नालियां हैं कभी भी साफ नहीं हुई हैं, यानी ये नालियां बहुत टाइम से पानी और गंदगी से भरी हुई हैं, इन्हें कभी भी साफ नहीं किया गया है। मॉस्किटोज ब्रीड देयर, और उनके ऊपर आप मच्छर मक्खियां भी बिन बिनाने लगे हैं। द स्वीपर डज नॉट डू हिज ड्यूटी, जो स्वीपर है जो हमारे मोहल्ले का सफाई कर्मचारी है वो भी अच्छी तरह से सफाई नहीं कर रहा है, बहुत दिनों से वो झाड़ू भी नहीं लगा रहा है। प्लीज़ बी काइंड एनफ टू डू द नीडफुल, अब आपसे हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वहाँ पे आके हमारी ये ज़रूरत पूरी करें। और हमारी ज़रूरत क्या है कि वहाँ पे सफाई होनी चाहिए, हमारी स्ट्रीट में सफाई होनी चाहिए ताकि हम ख़तरनाक बीमारियों से बच सकें। फिर उसके बाद आप उनका क्या करोगे, जिस सर को आपने लेटर लिखी है फिर उसको आप शुक्रिया अदा करोगे। आप लिखोगे थैंक यू सर, यूअर्स फेथफुली, मैंने यहाँ ABC लिखा है, आपको अपना नाम लिखना है और नीचे अपना एड्रेस लिखना है। डेट तो हमने यहाँ लिखी होगी, यहाँ पे आपको वो एप्लीकेशन में डेट नीचे लिखते हैं लेकिन लेटर में डेट ऊपर लिखते हैं। तो आपको थैंक यू करना है, फिर यहाँ पे अपना नाम और एड्रेस लिखना है कि आप किस जगह से ये लेटर भेज रही हो, कौन भेजने वाला है। जिस किसी को भी लेटर भेजनी है वो यहाँ पे अपना फिर एड्रेस और नाम लिखेगा। इसी तरह से ये लेटर हम हेल्थ ऑफिसर को लिखते हैं। अभी छोटी क्लास है इसलिए मैंने आपको ये लेटर इतनी ही बताई है, जब आप 10th या 12th में होंगे तो वो थोड़ी बढ़ा चढ़ा के हमें लिखनी होगी। थैंक यू।